अब मैं हूँ जकार्ता में, 8 महीने रहने के बाद इंडोनेशिया में। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से दुबई, और देखता हूँ कि कैसा होने वाला है मेरा जर्नी यहाँ से। ये है जकार्ता का एयरपोर्ट, टर्मिनल 3। यहाँ तो यहाँ से है मेरा फ्लाइट एमिरेट्स। लेट्स सी ये कैसा होता है मेरा सफ़र, और मेरे साथ बने रहिए। अब जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। तो अब यहाँ से 8 घंटे 30 मिनट में मैं रहूँगा दुबई में। या थैंक यू, मर्सी। Oh, so let's go in. First time in Emirates. I'm already excited. Follow all the protocols. Hello. Thank you. देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछता है इमिग्रेशन ऑफिसर जो है, और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, पर देखते हैं क्या पूछता है वो, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। काफ़ी लंबा वॉक है जहाँ से एग्ज़िट किया मैं प्लेन से, और यहाँ तक जहाँ पे आप लगेज क्लेम करने आते हैं या लगेज लेने आते हैं, वहाँ तक के लिए बहुत दूर चलना पड़ रहा है यहाँ से। ओह, आई एम नॉट श्योर कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछने वाला है इमिग्रेशन ऑफिसर, क्योंकि इतना आसान नहीं है। मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा था कि अराउंड 200 इंडियंस को इन्होंने डिपोर्ट किया है, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, फिर वो जॉब ढूंढने लगते हैं, और इसी कारण है कि ऐसा यहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिस है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो कर रहा है, लोगों को वापस भेज रहे हैं। फिंगर क्रॉस्ड, होपफुली मेरे साथ कुछ भी गलत ना हो। यू वॉन्ट बिलीव, आई जस्ट क्लियर द इमिग्रेशन, नॉट इवन वन सिंगल क्वेश्चन आस्क फ्रॉम मी, एंड पीपल से दे आस्क दिस दैट दिस एंड दैट। Oh,
was so easy. Not even one question asked. It was an amazing experience. Wow, and I'm out from the immigration office. And see, I already have cleared the immigration and I'm going to collect my luggage. And here is this belt. Woohoo! So excited. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, आपके पासपोर्ट पे बहुत सारा नो स्टिकर्स है या फिर स्टैम्प्स है, तो इट डज एक्चुअली गिव यू एन एज. आपको ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया जाता आपसे. और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे साथ वाले से बहुत सवाल जवाब किया गया है और मुझसे बिल्कुल सवाल जवाब नहीं किया गया है. तो ये आई थिंक यू नो, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो एक आप शुरू अपना एक ना आप एक प्रोफाइल बनाइए. आप जाइए छोटे छोटे देशों में घूमिए, जैसे कंबोडिया हो गया, लाओस, इंडोनेशिया, फिर जब आपके मलेशिया, सिंगापुर. तो जब आपके पासपोर्ट पे बहुत सारा स्टैम्प होगा और स्टिकर्स होगा, तो इट डज गिव यू एन एज. देखिए that's my luggage. तो अब निकलता हूँ मैं यहाँ से और माई गर्लफ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी एंड आई कांट वेट टू सी हर आउटसाइड द एयरपोर्ट. What is wrong with you? Can't you recognize people? Come here, outside. You came by metro? Yeah. That's good. Should we check if there is any metro there? Okay. Where's the metro? There's a metro. Huh? Which way? There is a sign. Okay, yeah, let's go then. Okay. Okay. So finally we are meeting after 8 months. Oh, are you such a shun that I don't know? How do? Is it really him? Yeah, she did not even recognize me. She was behaving like. And I waited like 40 minutes and like was like waiting like this. And then he came and I was like. ये देखिए view. ये है view from the world's tallest hotel. Wow.